हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ करीना कपूर खान का घर। जी हाँ दोस्तों, जो कि सैफ अली खान की वाइफ है और इसी बिल्डिंग में रहती है करीना कपूर अपने हस्बैंड और अपने दोनों बच्चों के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये जो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शमीम व्लॉग वीडियोस में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ करीना कपूर का घर। जी हाँ दोस्तों, जो कि सैफ अली खान सर की वाइफ है और कुछ साल पहले उन्होंने सैफ अली खान सर से शादी की थी। तो दोस्तों आप तो करीना कपूर को अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। दोस्तों अगर मैं आपको उनकी मूवीज़ के नाम बताऊं तो उनकी मूवीज़ के नाम है हीरोइन, जब वी मेट, कभी खुशी कभी गम, थ्री इडियट और सिंगम में भी वो उन्होंने काम किया है अजय देवगन सर के साथ। तो इसी तरह की बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में वो काम कर चुकी है, लेकिन दोस्तों आज तक हमने उनको सिर्फ फिल्मों में देखा है। उनका रियल घर कहाँ पर है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, आज की वीडियो में सब आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको उनका घर, उनके घर का नाम, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन आज की वीडियो में सब आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो करते स्टार्ट और लेकर चलते आपको करीना कपूर के घर के पास। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं करीना कपूर खान की बिल्डिंग के पास। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप सामने बिल्डिंग के चार गेट देख रहे हो ना दोस्तों, इसी बिल्डिंग में रहती है बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लग्जरी बिल्डिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस बिल्डिंग में काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि स्विंग, जिम वगैरह और भी काफ़ी सारी सुविधाएं इसमें है। और दोस्तों जैसे ही आप इस बिल्डिंग के एंट्री गेट्स के अंदर देखते हो तो आपको इस बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। इस बिल्डिंग का नाम है फॉर्चून हाइट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये लगभग 15 से 16 माला की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है करीना कपूर खान, वो सब आपको हम बताएंगे। इनकी बायोग्राफिक, कार कलेक्शन, सब कुछ आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा ऊपर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी सारी ग्रीनरी भी लगाई गई है ऊपर के फ्लोर पर, 10वें फ्लोर पर, और भी 16 और 17वें फ्लोर पर भी काफ़ी सारी ग्रीनरी लगाई गई है। बहुत दोस्तों ये बिल्डिंग आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और जैसे कि मैं आपको एक बार और थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अक्सर काफ़ी सारी वीडियोज़ भी उनकी वायरल हुई है इसी गेट के पास आते जाते हुए। दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड, चुलबुली और बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में, जो कि एक रईस फैमिली से बिलोंग करती है, जिसे हम बेबो के नाम से भी जानते हैं। और इस एक्ट्रेस का नाम है करीना कपूर। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ 21 सितंबर 1980 मुंबई महाराष्ट्र में, और जन्म हुआ एक बहुत ही मशहूर परिवार में, मतलब कपूर फैमिली में। इनके पापा रणदीप कपूर और माँ बबीता कपूर, जो कि बहुत ही बड़े एक्टर रहे, और इनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर भी एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस रही। ये इतने बड़े परिवार से आते हैं कि इनके नाम सुनते ही सारे लोग गर्व सा महसूस करने लगते हैं। दादा राज कपूर और दादी कृष्णा राज कपूर भी बहुत ही मशहूर रहे, और सन 2023 के हिसाब से ये 43 ईयर्स की हो चुकी है। इनकी पढ़ाई की तरफ अगर गौर करें तो इन्होंने अपनी पढ़ाई करी जमनाबाई नर्सिंग स्कूल मुंबई से, और आगे की पढ़ाई के लिए ये गर्ल्स स्कूल देहरादून गई थी, और साथ ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई मीठी बाई कॉलेज मुंबई से भी की है। इन्होंने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई करी है और ये लॉयर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पढ़ाई करते करते ही ये पहुंच गई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने के लिए। इनके करियर की तरफ रुख करें तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी और नमित एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। एक्टिंग सीखने के तुरंत बाद ही इन्होंने फिल्म की रफ्यूजी, जिसमें इनके साथ रहे अभिषेक बच्चन, और ये मूवी आई थी सन 2000 में। ये फिल्म आते ही सुपर हिट रही। उसके बाद इनकी फिल्म आई मुझे कुछ कहना है सन 2001 में, जो कि पर्दे पर आते ही सुपर डुपर हिट रही। अब्बास मस्तान की फिल्म अजनबी को कौन भुला सकता है। लगभग 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, उनमें से कुछ फिल्मों के नाम है अशोका, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, लोग कारगिल। अभी तक लग रहा था कि ये सिर्फ मल्टी स्टारडम हीरोइन ही बनके रह जाएगी, लेकिन उसी वक्त सुधीर मिश्रा की फिल्म आई चमेली, और इस फिल्म में इनकी एक्टिंग तो देखते ही बनती थी।
और इन्हें स्पेशल जॉली अवार्ड से भी नवाजा गया 49th फिल्म फेयर अवार्ड में। फिर एक मूवी आई देव, उसको कौन भुला सकता था। ये वो वक्त था जब ये बातें भी हुई कि इनका अफेयर शाहिद कपूर के साथ चल रहा है और लग रहा था कि ये रिश्ता और भी आगे तक जुड़ा रहेगा। लेकिन जब इनकी फिल्म आई जब वी मेट, तो ये मूवी रिलीज होते ही ये खबर आ गई कि ये दोनों अलग हो गए हैं और ये फिल्म एक सुपर हिट साबित रही और धीरे धीरे उनका रिश्ता जुड़ा नवाब सैफ अली खान के साथ। और ये पहले से ही शादीशुदा थे अमृता सिंह के साथ और इनके दो बच्चे थे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। और फिर अपनी बीवी से अलग होने के बाद 16 अक्टूबर सन 2012 में मशहूर नवाब कहे जाने वाले एक्टर सैफ अली खान करीना कपूर से शादी कर ली और इस शादी से इन्हें दो बच्चे हैं तैमूर अली खान पटौदी जो दिसंबर सन 2016 में हुए और कुछ शादी के बाद सन 2021 में जहांगीर अली खान हुए इनके दूसरे बेटे। शादी के बाद भी इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, ये नजर आई हर हीरो के साथ, चाहे वो सलमान खान रहे या शाहरुख खान, फिर आमिर खान या फिर ऋतिक रोशन, हर हीरो के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। अगर हम बात करें इनके अवार्ड्स की तो 6 बार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं। सन 2005 में राजीव गांधी यंग अचीवमेंट अवार्ड भी मिला और 4 बार आईफा अवार्ड भी मिल चुके हैं। और अगर हम बात करें इनके इनकम की तो ये एक मूवी करने का लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करती है और इनका टोटल नेटवर्थ है 450 करोड़ रुपए। और इनके पास काफ़ी सारी लग्जरी कार कलेक्शन भी है दोस्तों, काफ़ी सारी कार इनके पास है और इसी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ यानी कि अपनी पूरी फैमिली के साथ करीना कपूर खान इसी बिल्डिंग में रहती है। इस बिल्डिंग का नाम जैसे कि आप वीडियो में देख ही चुके हो फॉर्चून हाइट्स। तो दोस्तों जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है करीना कपूर का घर, जी हाँ दोस्तों जो आप मेरे बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग देख रहे हो ना दोस्तों, इस बिल्डिंग का नाम है फॉर्चून हाइट्स। दोस्तों इसी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर रहती है बॉलीवुड की मशहूर एक्टर करीना कपूर। जी हाँ दोस्तों करीना कपूर अपनी पूरी फैमिली के साथ इसी बिल्डिंग में रहती है दोस्तों। अगर दोस्तों जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आपको उनका घर का एड्रेस और उनका घर का जो नाम है वो बताया है और आज और इनके बायोग्राफिक कार कलेक्शन ये सब चीज़ आपको मैंने बताई है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इनके घर के एड्रेस की तो इनके जो घर का एड्रेस है वो है मुंबई बांद्रा वेस्ट के पाली हिल में 29 रोड। ये जो आप मेरे ये जो रोड चलता हुआ देख रहे हो ना दोस्तों, इस जो रोड का नाम है वो है 29 रोड। तो इसी रोड पर आपको देखने के लिए मिलेगी ये जो बिल्डिंग है फॉर्चून हाइट के नाम से, इसी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर रहती है करीना कपूर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके टाटा बाय बाय जी।